ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि ओशो शब्द का अर्थ क्या है। भगवान रजनीश ने ओशो शब्द का इस्तेमाल क्यों किया अपने लिए, कोई मतलब होगा। तो ओशो शब्द का अर्थ क्या है? ओशो ने अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों में यह शब्द अपने लिए नाम के रूप में चुना। यह शब्द अंग्रेजी के कवि विलियम जेम्स की कविता ओशनिक एक्सपीरियंस से लिया गया है। ओशनिक एक्सपीरियंस यानी सागरीय अनुभव, समुद्र जैसे विराट होने का अनुभव। जब कोई बूंद सागर में मिल जाती है तो स्वयं ही सागर स्वरूप हो जाती है, अलग नहीं बचती। ऐसे ही जब हमारी जीवात्मा परमात्मा के साथ विराट ब्रह्म के साथ लॉ लीन होकर एक हो जाती है तब आत्मा नहीं बचती है, बस परमात्मा ही बचता है। बूंद समाप्त, केवल सागर शेष। ऐसा ओशनिक एक्सपीरियंस, सागरीय अनुभव जिसे हुआ उसे ओशो कहते हैं। ओशो ने एक नया शब्द गढ़ा अपने लिए। यह इस बात का प्रतीक है कि ओशो किसी पुरानी परंपरा, किसी रूढ़ी के हिस्से नहीं है, वे एक नई परंपरा की शुरुआत है। इस नए शब्द के संग एक नई परंपरा शुरू होती है। कबीर साहब के शब्द में इस बात को समझे तो आसानी होगी। आपने सुना होगा कबीर साहब का एक प्रतिकर वचन, हेरत हेरत हे सखी रमहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। वे कहते हैं खोजते खोजते कबीर स्वयं खो गए, जैसे बूंद सागर में गिरी, अब कहां बूंद मिलेगी, कौन बूंद, कहां की बूंद, सागर ही बचा, बूंद तो खो गई। बूंद समाने समुद्र में सोकत हेरी जाए, अब कहां बूंद को खोजे, उसकी कोई आइडेंटिटी बची नहीं। तो ओशो शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो विराट ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाए। उपनिषद में एक अति महत्वपूर्ण वाक्य है कि ब्रह्मा को जानने वाला स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। तो ओशो का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो विराट ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।